दोस्तों, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है तो आपको कैसे आ रही है? तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब इंसान बोलता है तो गले से आवाज़ बनती कैसे है। यानी कि जैसे कोई अगर लड़के की आवाज़ देखी होगी थोड़ी लाउड होती है, लड़की की आवाज़ थोड़ी पिची यानी हाई पिच पर यानी सुरीली होती है, तो वो कैसे होती है, आवाज़ कैसे बन जाती है, यानी सारा आज पूरा आपको इस गले के अंदर यानी इस मॉडल के साथ में आपको बताऊंगा कि जिसको जैसे लेरेंग्स बोलते हैं वहाँ पर आवाज़ बनती है, तो वो कैसा होता है अंदर से, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिरी तक जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आवाज़ होती है वो बनती कहाँ है। तो दोस्तों, वो बनती है लेरेंग्स के अंदर। यानी मैं कैमरे को पास में ला के दिखाऊंगा आपको कि जैसे ये मॉडल दिख रहा होगा आपको, जिसमें आपको पूरी बॉडी का जैसे मॉडल दिख रहा है, तो हमारा क्या होता है, ये गला होता है ना। अब गले के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं अंदर। जैसे मेरे पास एक और मॉडल रखा है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये मेरे पास है, पूरा गले को अंदर से यानी बीच में से कट करके दिखाया गया है, तो आपको ये जैसे सिर का अंदर का ये गला एरिया दिख रहा है ना। तो ये होता है हमारा जैसे मुंह होता है, मुंह के अंदर ओरल कैविटी टंग रखी हुई है, और ये नाक के अंदर यानी नेजल कैविटी होती है। तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी पीछे गले में जाके मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं फेरेंग्स। फेरेंग्स क्या होता है, ये पूरा पीछे तक जाता है नीचे, और नीचे ईसोफेगस में यानी फूड पाइप में यानी कि जैसे जो खाने की नली होती है उसमें कंटिन्यू हो जाता है। ये वाला पूरा यहाँ तक हो गया आपका जो है फेरेंग्स, इसके नीचे ईसोफेगस। अब इस फेरेंग्स के सामने वाले एरिया में इस वाले पॉइंट से आगे होता है हमारा लेरेंग्स। इस लेरेंग्स के अंदर ही जो है वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि आवाज़ बनाते हैं, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, यानी आवाज़ बनाने की मशीन है हमारी इंसान की ये वाले एरिया में। तो ये जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले पॉइंट के ये ब्लू कलर का आपको थायरॉयड कार्टिलेज दिख रहा है, इसके अंदर वाले एरिया में होता है। एक और मॉडल है, उसको भी दिखाऊंगा मैं। अब एक्चुअली मैं समझाना चाहूंगा कि क्या होता है कि जैसे हमारा हम सांस लेते हैं ना, तो सांस भी हमारी इसी में आती है, इसी वाले गले में। खाना खाते हैं वो भी इसी में आता है, लेकिन होता क्या है कि जो खाना खाया वो यहाँ से आके ये फेरेंग्स में आएगा, फेरेंग्स के बाद में पीछे वाली नली में चला जाता है। लेकिन जो सांस होती है, सांस आती है गले में, और गले से इस वाले पॉइंट से एपिग्लोटिस से आगे यानी आगे वाली नली में, ये ट्रेकिया में जुड़ा रहता है, जिसको अपन जो है ट्रेकिया बोलते हैं या सांस की नली बोलते हैं। यानी कि जैसे दो नली है यहाँ पर, एक खाने की नली, आगे वाली सांस की नली। तो जो सांस की नली है वो आगे ऊपर जुड़ती है आवाज़ बनाने की मशीन, जिसको लेरेंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ भी देखेंगे तो इसके पीछे रहता है ट्रेकिया, आपको ये ब्लू कलर की दिखेगी, इसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों हमारे फेफड़े होते हैं, ये राइट फेफड़ा, ये लेफ्ट फेफड़ा, ये हार्ट होता है ना। अब इसके पीछे आपको ये ब्लू कलर की जो नस दिख रही है, इसको यानी बोलते हैं अपन ट्रेकिया। अब क्योंकि आवाज़ जो बनती है दोस्तों, वो आवाज़ बनती है हवा से, यानी हम जो सांस लेते हैं ना, सांस से ही आवाज़ बनती है। मैं समझाऊंगा पूरा कैसे होता है। जैसे ये मैंने दोनों लंग्स हटा दिए, बीच में हार्ट दिख रहा है, ये हृदय है, इसको भी हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये वाली नली दिख रही है, ट्रेकिया हो गया, ठीक है। अब इस ट्रेकिया में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं गले में आती है, ये ट्रेकिया के थ्रू लंग्स के अंदर चली जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसी ट्रेकिया से ऊपर आ जाती है। अब क्या होता है, ये वाला जैसे गला वाला पॉइंट मैंने ले लिया बस, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो जैसे ट्रेकिया जैसे दिख रहा है ना, ये वाला ट्रेकिया, इसको अंदर से खोल देते हैं। सपोज मैंने अंदर से खोला ये वाला, तो आपको दिख रहा है, यानी हमारी सांस आई इधर से, नीचे गई फेफड़ों में, और ऊपर आई यहाँ से गले में निकल जाती है। अब होता क्या है, इसके अंदर होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, दो तार होते हैं गले के एक तरह से, ठीक है। तार होते हैं, जैसे ऊपर से देखेंगे ना आप, तो जैसे देख मैं बंद करके दिखाऊंगा आपको, जैसे तो आपको दिखेगा, एक मिनट रुकिए, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, अब देखो इसके अंदर आपको दिखेगा, ये अंदर में दो तार हैं इस टाइप से, ठीक है। अब ये तार क्या होते हैं, जैसे मान के चलो ये दो तार हैं, ठीक है। अब ये तारों के इधर साइड में नीचे है हमारी पाइप, जिसको ट्रेकिया बोल रहे हैं, ऊपर गला है। तो जब ये हवा इसमें होकर जाती है तो पाइप पूरे, जैसे हमें बोलना नहीं, मान लो मैं आवाज़ बंद करके बैठा हूँ, तो ये दोनों तार मेरे दूर दूर हो जाएंगे, है ना। ये तार क्या होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं वोकल लिगामेंट या वोकल कॉर्ड बोलते हैं, इनके अंदर लिगामेंट होते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड पास और दूर होते रहते हैं, इनको मसल्स करती हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, तो मैं दोनों वोकल कॉर्ड को दूर कर दूंगा तो हवा पूरी ऊपर होके निकल जाएगी और आती जाती रहेगी, क्योंकि हम सांस तो लेते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मुझे बोलना होता है तो क्या होता है कि ये जो दोनों तार थे हमारे गले के, इनको वोकल कॉर्ड बोल लेते, ये पास में आ जाएंगे। अब पास में आएंगे तो क्या है, हवा को पतली जगह से निकलना पड़ेगा, गैप कम है तो उसमें से निकलना पड़ेगा। तो जब हवा में से इस वाले गैप में से निकलेगी आवाज़, तो ये बजेंगे। जैसे आपने देखा, जैसे आप गिटार ले ले या फिर कोई भी ऐसे जैसे कुछ बजाने वाले आइटम लेते, तो आप उसको हिलाते हैं तार को गिटार का, तो वो आवाज़ करने लगता है। तो वैसे ये हमारी जब हवा आती है, अब हवा को पहले ज़्यादा जगह थी तो ये ज़्यादा जगह में से निकल रही, जब पाइप दोनों तार पास में आ गए तो ये इसको टकरा के निकलती है, तो टकरा के निकलेगी तो बजेगा, तो ये आवाज़ करने लगता है, क्योंकि ये खिंच जाता है। जैसे आगे पीछे भी होता है और दूर पास भी होता है, तो क्या होता है, जब ये खिंचेगा तो इसमें
वाइब्रेशन आ जाएगा। तो ये वाइब्रेशन यहाँ गले के अंदर यानी कि वॉइस बॉक्स के अंदर जैसे मैं यहाँ दिखा रहा था इसके अंदर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पर ये वाइब्रेशन बनता है इस जगह, ठीक है। यानी हवा आई यहाँ से और हवा ऊपर जाएगी तो इससे टकराएगी और आवाज़ निकलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर जैसे आपको ये वोकल कॉर्ड दिख रहे हैं दो है ना, तो इन वोकल कॉर्ड में आगे पीछे भी छोटे बड़े होते हैं और दूर पास में भी होते हैं। तो क्या है जब हवा हवा निकलती है जैसे हम सांस लिए इधर से जाएगी तो इससे टकराएगी, टकराएगी तो ये जो है साउंड करने लगेगा। अब क्या होता है कि ये साउंड तो एक जैसी निकलती है दोस्तों, जैसे एक जैसी साउंड जैसे बजेंगे वो, बस आवाज़ कम ज़्यादा होगी। अब जाल मान लो ज़्यादा तेज़ हमने पास कर दिया ज़्यादा, तो ये क्या ज़्यादा आवाज़ करेंगे, थोड़े दूर रखेंगे तो कम आवाज़ करेंगे। लेकिन जो हमारे वर्ड बोलते हैं यानी कि जैसे वर्ड बनाते हैं हम, जो शब्द बनाते हैं वो बनते हैं हमारी टंग से और लिप्स से और दांतों की मदद से, कि टंग जो है ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, जैसे लिप्स भी मूवमेंट करते हैं, तो इससे हमारे वर्ड बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमारा वॉइस बॉक्स होता है। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दूसरा मॉडल भी है मेरे पास, जैसे गले का देख पा रहे होंगे, तो ये जैसे पूरा गले का है, थ्रोट है यानी, है ना, इसमें आप देखेंगे इसे कुछ पार्ट्स दिखाता हूँ। ये आपको दिख रही है ये हड्डी होती है जिसको बोलते हैं हाइवर्ड बोन यानी गले की हड्डी, है ना। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये थायराइड कार्टिलेज, जैसे आपने सुना है थायराइड कार्टिलेज गले में जैसे एडम्स एप्पल बनता है यानी गला निकला रहता है थोड़ा सा, तो यही वाला पॉइंट थायराइड कार्टिलेज से निकलता है। इसके नीचे और जाएंगे गले में तो ये होती है थायराइड ग्लैंड, जैसे आपने सुना है थायराइड हो गया प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो ये इसी की वजह से होता है जो थायराइड हार्मोन बनाता है। तो ये पूरा गले का है, ये आप बैक, इसके नीचे ये ट्रेकिया दिख रही है आपको, ये होती है ट्रेकिया, है ना। अब इसके बैक साइड में देखेंगे आप तो ये पीछे ट्रेकिया दिख रही है, इसोफेगस होती है इसके पीछे आएगी। अब ये आपको अंदर से दिख रहा है यही है लैरिंग्स, इसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जैसे आप अंदर से देख पा रहे होंगे इसी में हमारे दो वोकल कॉर्ड होते हैं, दो वोकल लिगामेंट होते हैं, इनके ऊपर वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ये हमारे आवाज़ बनाते हैं। तो जैसे मैं इसको पूरा खोल के दिखाता हूँ अंदर से आपको दिखेगा पूरा, ये देखिए ये वाला दिख रहा है, तो ये हमारी सांस आती है इधर से ट्रेकिया से, ये वोकल कॉर्ड है यानी जब सांस निकलेगी तो बजेगा, बजेगा तो ये आवाज़ निकलेगी ऊपर, है ना। अच्छा मैं एक पॉइंट बता रहा था कि लड़कियों की आवाज़ सुरीली हाई पिच क्यों होती है, लड़कों की लाउड क्यों होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है वो थोड़ी छोटी होती है, जब छोटी होती है तो ज़्यादा बजती है, ज़्यादा बजेगी तो सुरीली हाई पिच हो जाएगी, और जो लड़कों का जो लंबाई होती है वोकल कॉर्ड की आगे से पीछे, ये आगे का पॉइंट है ये पीछे का, तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा की वजह से क्या है वो डल हो जाती है आवाज़, डल की वजह बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई लंबे गिटार के तार को बजाएंगे तो वो थोड़ा आवाज़ तो तेज करेगा लेकिन डल रहेगा, और जो लड़कियों की छोटी होगी तो ज़्यादा बजेगी हाई पिच पे, तो हाई पिच ये इसी की वजह से लो पिच और हाई पिच होती है, यानी कि जब ये आता है हवा ऊपर तो ये तार को बजा के जाती है, लंबा तार तो लाउड रहेगा लेकिन डल आवाज़ रहेगी, छोटा तार आवाज़ कम रहेगी लड़कियों की लेकिन पिच ज़्यादा रहेगी, तो लड़कों की आवाज़ भारी होती है और दूर तक जाती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी कम रहती है लेकिन हाई पिच पे होती है, तो यही रीज़न है इसका लो पिच हाई पिच का। तो ये यहाँ से हवा आती है, एक इधर लिगामेंट है एक दूसरी वाली साइड में ये वाला दिख रहा है, दोनों बज जाते हैं, ये क्या होता है पास में आ जाते हैं, पास में आने की वजह से बजेंगे, तो इसकी वजह से हमारी आवाज़ बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कभी कभी जैसे गले के तार खराब हो जाते हैं, क्या होता है जैसे जो लोग ज़्यादा बात करते हैं या फिर जैसे जिनका सिंगिंग ज़्यादा करते हैं, जैसे गाने वाले ज़्यादा हो गए, है ना, या फिर टीचर ज़्यादा तेज़ तेज़ बात करने वाले, पहले मुनादी लगाने वाले लोग होते हैं जो आवाज़ लगा लगा के अनाउंसमेंट करते थे, तो उस टाइप के ज़्यादा बोलने वाले लोगों के तार क्या ज़्यादा रगड़ते हैं तो उनमें नोडुल बन जाता है कभी कभी, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे गले के तार खराब हो गए, तो कई लोगों के गले के तार खराब होते हैं तो आवाज़ खराब होने लगती है, यानी जो तार हैं घिसेंगे ज़्यादा, बार बार रगड़ेंगे आपस में तो दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से हमारा वॉइस बॉक्स काम करता है, यानी हवा के साथ में काम करता है, हवा आती है जाती है और वो उन तारों को बजा देती है। जैसे आपने वो सीटी देखी ना, सीटी बजती है, जैसे मेले में आपने देखा होगा पीपी आती है ना आवाज़ करने वाली, ऐसे देखी होगी बच्चे लेके आते हैं तो उसमें भी क्या होता है वो बजता है ऐसे, उसमें तार जो रहता है, तो वैसे ये भी हमारे गले के अंदर जो है लैरिंग्स के अंदर तार होते हैं जो आवाज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई आपको सब्सक्राइब करने पैसे तो लगने नहीं, फ्री में ही करना है, तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाऊंगा अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।